हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको फिर से एक और नए डिज़ाइन का डोरमेट बताने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे चार कलर ले लिए हैं और मैंने यहाँ पे 9 नंबर सिलाई ली हुई है। चार कलर की बुन ली है मैंने, ये देखिए, और ये मैंने चारों कलर की वूल को फोल्ड किया हुआ है। इसी से मैं आपको बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सुंदर सा डोरमेट बनाना बताऊंगी, जो बनाने में बिल्कुल ईजी है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं, किस तरह से हमने बनाना है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ ये प्यारा सा हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। इस डोरमेट को आप पुरानी चुन्नी और साड़ी से भी बना सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम अपना येलो से फंदे डालेंगे। आप कोई भी कलर से फंदे डाल सकते हैं और इसे आप तीन कलर से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसी तरह से फंदे डाल के अपना कंप्लीट करूँगी और यहाँ पे 32 फंदे हम ले लेते हैं। ये देखिए इस तरह से, चलिए मैं 32 फंदे डाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना 32 फंदा डाल लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए, दो फंदा मैं अपना स्लिप कर लूँगी और आगे से हम ये देखिए दो फंदा लास्ट का हम छोड़ेंगे। ये फंदे हमने दोनों साइड से दो दो करके छोड़ने हैं। फ्लावर शेप में आपको ये डोरमेट बता रहे हैं, जो बनाने में बिल्कुल ईजी है। इसे आप पुरानी चुन्नी और साड़ी में भी बना सकते हैं, जो कि मैं आपको वूल में बता रही हूँ। तो यहाँ पे हम लास्ट में दो फंदा अपना बिगर बुना छोड़ देंगे। ये देखिए, दोनों साइड से हम इसमें फंदा अपना छोड़ते ही इसको बनाएंगे। दोनों साइड से फंदा छोड़ते हुए हम बीच तक आएंगे और बीच के बाद हम आपको इसमें दूसरा कलर ऐड करेंगे, इसके बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना है, दोनों साइड से दो दो फंदा हर बार छोड़ देना है। तो लास्ट में हम दो फंदा अपना इधर भी छोड़ देते हैं। ये देखिए, जो हमने स्लिप किए थे वो वाले। तो आइए हम दोनों साइड से दो दो फंदे छोड़ते हुए बीच तक आ जाते हैं। इसके आगे आपको ये देखिए फिर से दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बीच तक आ गए हैं। 14 फंदे दो दो करके इधर छोड़ दिए हैं और 14 फंदे इधर छोड़ दिए हैं दो दो करके। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 4 फंदे हमारे पास हैं। ये अब ये देखिए, 4 फंदों में हम यहीं से अपना इसमें ब्लैक कलर ऐड करेंगे। जो भी कलर आपको पसंद है आप उसको लगा के यहाँ पे बना सकती हैं। तो आधी पट्टी हम यहाँ पे ब्लैक कलर से बनाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, तो 4 फंदों में मैंने अपना यहाँ पे ब्लैक कलर को ऐड कर लिया है। अब जिस तरह से मैं फंदा अपना
एक सिलाई चार फंदों से बना लेती हूँ। अब जिस तरह से फंदे छोड़े हैं उसी तरह से अब ब्लैक से हम बनाते हुए जाएंगे उनको। तो देखिए यहाँ पे हम दो फंदा अपना ब्लैक से ले लेते हैं। ये देखिए दो फंदा मैंने सिलाई पे अपना येलो कलर का ले लिया है और ब्लैक से हम उनको बना लेंगे। अब आगे के भी दो फंदे हम ले लेंगे इस तरह से, ये देखिए। फिर यहीं से टर्न करेंगे, दोनों साइड से जिस तरह से फंदे छोड़े हैं उसी तरह से ब्लैक से बनाते हुए जाएंगे। बनाना बिल्कुल आसान है, बनने के बाद काफ़ी सुंदर लगता है। तो देखिए यहाँ पे ये हम दो फंदा अपना इस सिलाई पे उतार लेते हैं और ये भी हम उल्टी साइड से ब्लैक से इनको बना लेते हैं। तो चलिए हम ये भी दोनों साइड से फंदे लेके पत्ती को पूरा कंप्लीट करते हैं। दोनों साइड से फंदे ले लेते हैं, जो येलो वाले फंदे हैं वो ब्लैक से बना लेते हैं। गैप के लिए आप फंदा उठा लें और दूसरे फंदे के साथ उसको बना लें इस तरह से। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको लास्ट का दिखा रही हूँ। ये यहाँ पे सभी फंदे येलो के ब्लैक से हो चुके हैं। लास्ट में इधर अभी दो फंदा बाकी बचा है, तो बीच वाली पत्ती हमारी बनके कंप्लीट है। अब आगे का हम डिजाइन इसमें बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये डिजाइन हमारा खुल जाएगा। ये देखिए, तो ये भी मैंने येलो से बना लिए हैं और ये येलो से ब्लैक कलर से बना करके मैंने यहीं पे अपना फंदों को सिलाई में ले लिया है। अब यहाँ पे ये देखिए हम आगे का डिजाइन हम बनाएंगे। बीच का फ्लावर हमारा बन चुका है। इसके लिए यहाँ पे हम ऑरेंज कलर को ऐड करेंगे। आप कोई भी अपनी पसंद का कलर यहाँ पर लगा सकती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हम ऑरेंज कलर के तीन फंदा बना चुके हैं, चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह फंदों में मैंने यहाँ पे 16 फंदे अपने छोड़ दिए हैं और 16 फंदे इधर हमने बना लिए हैं। ये देखिए, इसके बाद हम अपना यहाँ पे ये देखिए दो दो फंदा हम अब यहाँ पे आगे के डिजाइन में अपना छोड़ेंगे। लास्ट का फंदा सीधा कर लेती हूँ, आगे का हमारा डिजाइन बनेगा तभी हमारी ये बीच वाली पत्ती अच्छे से खुल जाएगी, यहाँ पे कोई झोल नहीं आएगा। अब ये देखिए यहाँ पे हम अपना दो फंदा लास्ट का छोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से दो फंदे छोड़ लिए, यहीं से टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अपना दो दो करके आठ फंदा छोड़ लेते हैं, दो दो करके आठ फंदा छोड़ लेते हैं। इसके बाद आपको फिर से दिखाते हैं। ये देखिए बिल्कुल इजी है, दो फंदे छोड़ दिए हैं, दो फंदा फिर से छोड़ेंगे, यानी कि हम दो दो करके आठ फंदे छोड़ेंगे।
लास्ट का फंदा हमेशा सीधा बनाएंगे। तो चलिए मैं 8 फंदा अपना छोड़ लेती हूँ, इसके बाद आपको फिर से दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना यहाँ पे 8 फंदा छोड़ दिया है और 8 फंदे हमारे पास हैं। 8 फंदे जो छोड़े हैं मैंने, दो दो करके छोड़े हुए हैं। ये देखिए 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और पांचवी सिलाई ये है। इसके बाद हम अपना यहीं से आगे का फ्लावर बनाने के लिए अपना ग्रीन ऐड कर देंगे। आप कोई भी कलर पसंद से लगा सकते हैं यहाँ पे, जो भी आपको पसंद है। ये देखिए, तो 8 फंदे मैं यहाँ पे बुन लेती हूँ। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पे हम इन फंदों को भी इसी तरह से छोड़ लेते हैं। ये देखिए, लास्ट का 2 फंदा हम ग्रीन का छोड़ेंगे, सॉरी 1 फंदा हम छोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे 1 फंदा मैंने, अब इन 8 फंदों में से मैं एक एक फंदा अपना छोड़ूंगी। तो यहाँ पे हम अपना 7 फंदा छोड़ लेंगे एक एक करके, और इसके बाद आपको फिर से दिखाएंगे। तो चलिए मैं एक एक करके छोड़ लेती हूँ यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना 7 फंदा छोड़ लिया है। अब जिस तरह से एक एक फंदा छोड़ा है यहाँ पे, ये 8 फंदे मैंने ग्रीन कलर के, उसी तरह से मैं एक एक फंदा अपना बनाते हुए इनको कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, ये देखिए, यहीं से टर्न कर लेते हैं। अब 8 फंदे जिस तरह से ये छोड़े हैं उसी तरह से इनको बनाएंगे, और लास्ट में जो ये दो दो फंदा छोड़े हैं, 8 फंदे, वो दो दो करके बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ग्रीन को बना लेते हैं। अगर आपको लगता है कहीं गैप, तो आप गैप के लिए फंदा उठा लें और दूसरे फंदे के साथ उसको बना लें। तो ग्रीन का फंदा मैं 8 फंदा अपना बना चुकी हूँ। अब ये देखिए, यहीं से मैं अपना इसमें ऑरेंज कलर को ऐड कर देती हूँ। ये देखिए इस तरह से, चाहे तो आप धागा कट कर ले और चाहे इस तरह से। ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने 2-2 फंदा छोड़ा था, मैं यहाँ पे अपना 2-2 फंदा बनाऊंगी गैप के लिए। यहाँ पे इस तरह से हम फंदा उठा लेंगे। ये देखिए, यहीं से टर्न कर लेंगे। अब ये मैंने 2-2 फंदे छोड़े हैं, तो इनको मैं 2-2 करके बना के कंप्लीट करूंगी। 8 फंदे 2-2 करके छोड़े थे, अब उसी तरह से इनको भी हम बनाते हैं। इसके आगे आपको फिर दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना ये 8 फंदा भी जिस तरह से छोड़ा था उसी तरह से मैंने यहाँ पे बना लिया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। और आगे का फ्लावर, इसमें मैंने 2-2 फंदे छोड़े थे ऑरेंज कलर में, यहाँ पे ये आगे में मैंने ग्रीन जो बनाया है उसमें मैंने एक एक फंदा छोड़ा है। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो पत्ती बनाई है उसमें भी मैंने 2-2 फंदे छोड़े हैं। तो यहाँ पे एक पत्ती हमारी बन के कम्प्लीट है। यहाँ पे सेम उसी तरीके से हर बार हर पत्ती बनेगी, जितना भी बड़ा हमने डोरमेट को बनाना है, जब तक हमारा कंप्लीट नहीं होता है, सेम इसी तरीके से हम बनाते हुए जाएंगे।
अब हमने दूसरी पत्ती के लिए ये देखिए यहाँ पे अपना फिर से यही येलो कलर को ही लगा देना है। ये देखिए, चाहे आप धागे को कट कर सकते हैं, चाहे आप इस तरह से धागे को लगा सकते हैं, जैसा भी ठीक लगे आप उस तरह से इसको यहाँ पे कर सकते हैं। तो सेम उसी तरीके से फिर से मैं शुरुआत इसकी कर रही हूँ जो नीचे से मैं इसको बनाई हूँ। पूरा डोरमेट हमने इसी तरह से इसको बनाना है। धागों को कट करके भी लगा सकते हैं, चाहे आप इस तरह से खींच के भी आप साथ साथ ले जाके भी आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सभी फंदों को हम अपना येलो कलर से बुन लेंगे। ये देखिए, गैप के लिए फंदा उठा ले जहाँ भी आपको गैप दिख रहा है और उसको इसी तरह से बुनाई कर लें। जैसे ही आपका फ्लावर आगे की तरफ ये बनता जाएगा उसी तरह से यहाँ पे आपका झोल ये कम हो जाएगा। तो हमने इसी तरह से ये पूरा डोरमेट कंप्लीट करना है। चाहे आप पुरानी चुन्नी और साड़ी से बना रहे हैं तो 32 फंदे का भी ये आपका काफ़ी बड़ा बनके कंप्लीट होगा। ये देखिए, और इसका अब फिर से यही सेम तरीका आ गया है जिस तरह से यहाँ से शुरुआत की थी। अब हम दोनों साइड 14-14 फंदे दो दो करके छोड़ लेंगे और 4 फंदों में अपना यहाँ पे ब्लैक कलर को फिर से ऐड करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसको बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए बिल्कुल आसान है बनाना। तो चलिए मैं इसको बना लेती हूँ सेम इसी तरीके से जिस तरह से ये नीचे से पत्ती को बताए, सेम उसी तरीके से आपका पूरा डोरमेट कंप्लीट होगा। आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है, इसी तरह से आप बनाते हुए जाएं। तो चलिए मैं इसको बनाती हूँ और फिर से दिखाती हूँ।